जनपद में ध्वनि विस्तारक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निरंतर पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही एसएसपी ने दी जानकारी। आपको बता दें, विशेष अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों, बैंकट हॉलों, डीजे वालों इत्यादि को चेक कर अब तक 56 लोगों पर ध्वनि विस्तारक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है। अवैध लाउड स्पीकरों को कब्जे में लेकर गठित कमेटी के माध्यम से वैध रूप से आवश्यकतानुसार अन्य स्थानों पर वितरण किया जाएगा। एसएसपी ने कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करें, परेशानी एवं उल्लंघन होने पर 112 के माध्यम से संबंधित शिकायत दर्ज करवाएं। सर, तो ये धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, क्या कार्रवाई, ये कब तक जारी रहेगी और कितने उतारे जा रहे? ये जो लाउड स्पीकर है जो ध्वनि नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ध्वनि विस्तारक नियमों का, इसमें पुलिस द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है और कल विशेष रूप से इसमें अभियान चलाकर एक कार्यवाही की गई, जिसमें सुबह से लेकर पूरे दिन जो भी स्थल हैं, चाहे धार्मिक स्थल हो, बैंक्वेट हॉल हो या डीजे वाले हो, इन सबको चेक किया गया था और इसमें कई जगहों से लाउड स्पीकर उतारे भी गए हैं और कई जगहों पर उनकी ध्वनि भी कम करवाई गई है। सभी को हिदायत दी गई है कि ऐसा ना करें और इसमें 56 लोग ऐसे हैं जिनके विरुद्ध 107(16) में उनको पाबंद करवाया गया है कि भविष्य में यदि उन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की तो उसमें उनके द्वारा भारी जुर्माना उन पर लगाया जाएगा। इसमें जो लाउड स्पीकर हटे हैं, अवैध रूप से लगाए गए थे, उनको पुलिस ने अपने कब्जे में भी लिया है और उनको हम एक कमेटी बनी है जनपद स्तरीय, जिसके माध्यम से इनको जो भी आवश्यक शिक्षा स्थल है या अन्य जहां पर आवश्यकता है वैध रूप से इनकी है, उनको वितरण किया जाएगा कमेटी के निर्णय लेने के बाद में और ये कार्यवाही भी शीघ्र ही की जाएगी। फिलहाल मेरा सबसे निवेदन है कि जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं उनके अनुपालन में ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करें और रात्रि में 11 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र ना बजाए, जिससे लोगों को परेशानी हो और यदि इसका उल्लंघन पाया जाता है आप पुलिस को शिकायत करें, 112 डायल करें, 112 पर जो भी सूचना प्राप्त होगी उसमें आगे विधिक कार्यवाही की जाएगी और इस संबंध में सभी पुलिस कर्मियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन सभागार में यूपी 112 के अधिकारी कर्मचारीगण व पुलिस कर्मियों की चिकित्सीय सहायता संबंध में कार्यशाला आयोजित। आपको बता दें, आईएमए के तत्वावधान में पुलिस लाइन स्थित सभागार में यूपी 112 के अधिकारीगण, कर्मचारीगण व अन्य पुलिस कर्मियों को एक्सीडेंट के दौरान चिकित्सीय सहायता के संबंध में जागरूकता हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। सभी को बताया गया कि ऐसी अवस्था में पुलिस कर्मियों को क्या करना चाहिए। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्राधिकारी द्वितीय, डॉक्टर सौम्य जैन, डॉक्टर अनुपम मलिक, सचिव आईएमए उपस्थित रहे। बेरीबाग स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। आपको बता दें, बेरीबाग स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का घेराव भी किया। संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा, शिक्षा विभाग छात्रों की घटती संख्या से विचलित होकर मान्यता प्राप्त स्कूलों का जांचों के नाम पर शोषण करने का काम कर रहा है, जिसको बंद किया जाए, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने संबंधित जानकारी दी। आज किस मांग को लेकर यहां धरना दिया है? मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में बीएसए कार्यालय पर हमारा धरना चल रहा है। हमारी मुख्य मांग है कि जांचों के नाम पर हमारे स्कूलों का जो शोषण किया जा रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि सरकारी स्कूल में सुधार कर ले, हमारी जरूरत नहीं है आपका जो है, मानकों को आसान कर दे आपका सरकार, मानक और 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिए सरकार ने, इसके बाद सरकार क्या चाहती है सवाल बहुत बड़ा है। हमारा कहना, हमारा उधार में हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारा पैसा सरकार के पास तो उधारा है, करीब 4 साल का पैसा भी बाकी पड़ा है और 2016 से अब तक आधा उधारा बाकी है, तो सरकार कर्जा तो दे नहीं रही, हमारा कर्जा दे नहीं रही और धमकाने के नाम पर शोषण किया जा रहा है, जांचों के नाम पर मेरे स्कूल की जाँच का क्या मतलब बैठ रहा कर रहा। बच्चे इनके बच्चे थे, हम शिक्षा विभाग के बच्चे पढ़ा रहे हैं, उसका हमारे शिक्षा विभाग भेज रहा है, इसका मतलब शिक्षा विभाग अपने गलत बच्चे भेज रहा है हमारे यहाँ, तो जब उन्हीं के बच्चे पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में अभिभावक हमारे, यदि अभिभावक फीस नहीं दे रहा हम निकाल देंगे बच्चों को, तो हमारे खिलाफ मुकदमा करने की बात करते हैं कि हम बच्चा क्यों निकाल दिया, बच्चा फीस नहीं देगा हम निकालेंगे। बच्चों का, अभिभावक का पैसा सरकार ने नहीं दिया,
अभी भी आपका जाए, किताबों का पैसा नहीं, ड्रेस का पैसा नहीं, शिक्षा में सुधार कहाँ से कर लेंगे? वो किताबों का ड्रेस का पैसा देंगे कभी तो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बगैर किताब के कौन सा फार्मूला जो पढ़ा लेंगे हम? तो हम अपने स्कूलों की व्यवस्था खराब नहीं करना चाहेंगे, हम चाहेंगे सरकार तो इस पर संज्ञान ले, वरना हम इन बच्चों को बाहर निकालेंगे, फिर जिम्मेदारी सारी सरकार की होगी। धन्यवाद। जिला अस्पताल पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से नाजिरपुरा निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की हुई मौत। आपको बता दें, जिला अस्पताल पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से नाजिरपुरा निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रामशरण की मौत हो गई। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के नाजिरपुरा निवासी रामशरण ने मलेशिया, भारत एवं अन्य कई जगहों पर दौड़ में मेडल जीते हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना जनकपुरी पुलिस ने शव को रेलवे ट्रैक से हटवाकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया, तो वहीं रामशरण की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि रामशरण कर्ज में डूबे हुए थे, जिसके कारण वह डिप्रेशन में चल रहे थे। नगर निगम परिसर में जनसुनवाई आयोजित, 18 शिकायतों में से 3 का हुआ तत्काल निस्तारण। आपको बता दें, नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने जनसुनवाई के दौरान वार्ड 8 चौधरी विहार, वार्ड 19 नुमाइश कैंप में अतिक्रमण हटवाने की शिकायतों पर प्रवर्तन दल प्रभारी को स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। जनसुनवाई में आई 18 शिकायतों में से 3 शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराया गया। जनसुनवाई में अपर नगरायुक्त राजेश यादव, एसके तिवारी, मृत्युंजय, महाप्रबंधक जलकल राधेश्याम व मुख्य अभियंता निर्माण बीके सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चकहरेटी के मोहल्ला आकाशपुरम से जनकपुरी पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडर से वाहनों में अवैध रिफिलिंग करते हुए एक अभियुक्त किया गिरफ्तार। आपको बता दें, 27 नवंबर 2023 को अश्वनी कुमार मिश्र क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नगर निगम द्वारा थाना जनकपुरी पर आकर एक रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट चकहरेटी के मोहल्ला आकाशपुरम में घरेलू गैस सिलेंडर से वाहनों में अवैध रिफिलिंग करने के संबंध में थी। रिपोर्ट के संबंध में थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मामले में थाना जनकपुरी को तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में थाना जनकपुरी पुलिस अश्वनी कुमार मिश्र क्षेत्रीय खाद अधिकारी के साथ घटनास्थल पर पहुंची। मौके से पुलिस ने अभियुक्त मोंटू कुमार पुत्र चरणजीत को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 7 सिलेंडर, 1 इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, 1 गैस रिफिलिंग की मशीन बरामद की गई। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में अश्वनी कुमार मिश्र क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नगर निगम, उप निरीक्षक सोनू राणा, हेड कांस्टेबल विशंबर सिंह, हेड कांस्टेबल पोपिन कुमार मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की हुई बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, जनपद में उद्यम बढ़ाने संबंधी कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों एवं उद्यमियों को आपस में समन्वय बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि RBI द्वारा उद्यमियों से मांगी गई सूचनाओं को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें। जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए, निर्धारित समय सीमा में उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला पंचायत से संबंधित प्रकरणों को अगले माह होने वाली बोर्ड बैठक में रखकर निस्तारित किया जाए। पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक नगर ने जनपद के बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ की गोष्ठी, दी आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक द्वारा जनपद के बैंकों के शाखा प्रबंधकों के साथ पुलिस लाइन सभागार में ATM फ्रॉड, साइबर क्राइम, बैंकों के बाहर वाहन पार्किंग एवं सुरक्षा संबंधी विषयों के संबंध में गोष्ठी की गई। गोष्ठी कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जनपद के बैंकों के सभी शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। थाना कुतुबशहर पुलिस ने 15,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को चंडीगढ़ से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशहर पुलिस ने जमीन का फर्जी मालिक बनकर बैनामा करके ठगी करने वाले 15,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जय कुमार को चंडीगढ़ से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक सचिन पुनिया, हेड कांस्टेबल सचिन मौजूद रहे। थाना GRP पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत
प्रभारी निरीक्षक जीआरपी संजीव कुमार के नेतृत्व में जीआरपी पुलिस टीम ने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त प्रदीप उर्फ काके को सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक नाजायज चाकू भी बरामद किया गया। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, हेड कांस्टेबल विशेष मौजूद रहे। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के द्वारा प्रेसवार्ता आयोजित। आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के द्वारा एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहमति पत्रों की प्रगति से अवगत कराया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जब तक पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं होगी, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। अशोक कुमार मलिक, जिला अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जनपद सहारनपुर। इस मामले में आज जो है हड़ताल, ये हमारे यहाँ कर्मचारी जो है 35 साल सर्विस करता है और उसको सरकार 14% उसके नाम का जो अंश जमा करती है NPS में, वो हम ये चाहते हैं सरकार उसे न देखे। हमें बाद के जो रिटायरमेंट के बाद के 10 साल औसत हमारी आयु है 70 साल भारत की, हमें 10 साल पेंशन दे दे, और वो भी जो पुरानी पेंशन है, हम उसकी मांग के संबंध में आज हमारा जो है प्रेस वार्ता ये इस है कि हम लोग पूरे जो सहमति पत्र हर विभाग से जितने कर्मचारी हमने सबसे सहमति पत्र लिए हैं और ये करीब 98% लोगों ने सहमति दी है कि हम लोग हड़ताल में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रेलवे भी हड़ताल में जाएगा, डाक तार केंद्रीय जो कर्मचारी के सरकार के कर्मचारी हैं वे हड़ताल करेंगे, तो राज्य सरकार के कर्मचारी भी हड़ताल में एकदम टूट पड़ेंगे। साथ में शिक्षक भी हैं, तो इसलिए ये जो हड़ताल है ये महाहड़ताल की संज्ञा दी जाएगी। कारण क्या, हमें पुरानी पेंशन से कुछ भी समझौता नहीं करना, हमें तो पुरानी पेंशन चाहिए, क्योंकि कर्मचारी बुढ़ापे में जब घर जाता है उसके पास पेंशन ही बचती है, जो पैसा होता है फंड वो बच्चे ले लेते हैं और वो बेचारा हर महीने जो है उसको NPS के नाम पे झुंझुना है। अगर पुरानी पेंशन बहाल होगी तभी हम लोग शांत बैठेंगे, वरना तब तक हम जो है हड़ताल आंदोलन कुछ न कुछ करते रहेंगे। थाना बेहट पुलिस एवं सर्विलांस टीम ने ट्रांसफार्मर के पुर्जे चोरी करने वाले 7 अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार, SP देहात ने दी जानकारी। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना बेहट पुलिस एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बेहट पुलिस एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम ने ट्रांसफार्मर के पुर्जे चोरी की घटना करने वाले 7 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संयुक्त टीम ने महलूद, शाहरुख, जोगेंद्र, सोनू, जसबीर, नासिर एवं इमरान कबाड़ी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से चोरी किया गया ट्रांसफार्मर का सामान, कॉयल तार एवं अवैध असलाह बरामद किया गया। इस संबंध में SP देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। ये 24 नवंबर को जो खुर्रमपुर सब स्टेशन है, तो एक जूनियर इंजीनियर है वहां पर जो पोस्टेड, उन्होंने तहरीर दी थाने पर कि जो खुर्रमपुर सब स्टेशन से ट्रांसफॉर्मर्स है जो 5 MVA का, उसमें से काफी भारी मात्रा में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा बड़ी मात्रा में ट्रांसफॉर्मर के जो कॉइल्स हैं, कॉपर कॉइल्स हैं, उसको चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया JE साहब की तहरीर पे, और इसमें 3 टीम्स का हमने गठन किया और इसमें CDRs भी देखे गए। पूर्व में ऐसी घटनाएं जिन जिन जनपदों में और जिन जिन पुलिस स्टेशन में हुई उनके बारे में भी स्टडी किया गया। 27 तारीख को मुखबिर की सूचना पर जब हम चेकिंग कर रही थी तो उन्होंने बताया कि एक कुछ अज्ञात लोग एक वाहन में आ रहे हैं, और वहां से जब उनको घेराबंदी करके रोका गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर देख के फायर किया और उनके पास से 2 तमंचा, 315 बोर का, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। साथ ही उनके निशानदेही पर 3 जो कट्टे हैं उनमें 250 किलोग्राम तांबा की कॉइल्स जो कि खुर्रमपुर सब स्टेशन के ट्रांसफॉर्मर से चोरी हुई थी वो बरामद की है। साथ ही कॉइल्स के रूप में 8 किलोग्राम का जो तार है कॉपर का वो बरामद किया गया है। साथ ही जो अन्य घटनाएं हैं जो कोतवाली देहात में और
बाबेल बुजुर्ग जो ग्राम बेहट में है वहां के ट्रांसफॉर्मर से जो चोरी किया गया था वो सभी माल 100% बरामद किया गया है थाना बेहट की पुलिस द्वारा। ये जो अभियुक्त हैं इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने ये टोटल हमने 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं टोटल, जो कि जो मुठभेड़ में 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, एक अभियुक्त वहां से भाग गया था जिसे हमने नासिर है उसका नाम, जिसने हमने उसको कैराना शामली से गिरफ्तार किया गया है, और इनका एक साथी है इमरान कबाड़ी उसे भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग गैंग बनाकर काम करते हैं, पहले दिन में ये लोग रैकी करते हैं कि जो भी ऐसी जगह है जहां पर ट्रांसफॉर्मर्स से कॉइल चोरी किया जा सकता है इस जगहों की रैकी करते हैं, और फिर जो है एक इनके साथ ही गाड़ी लेकर आता है इन सभी को एकत्रित करता है। जैसे कि खुर्रमपुर वाली घटना में एक अभियुक्त है सोनू, उसने सभी अभियुक्तों को अपने पास इकट्ठा किया और इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया सब स्टेशन वाली, और फिर ये सभी माल इन्होंने इमरान कबाड़ी को दे दिया था बेचने के लिए। इमरान जो है इसी तरह के चोरी के माल बेचने में पहले भी जेल जा चुका है, ये रहने वाला थाना कुतुब शेर जनपद सहारनपुर का है। तो ये बहुत ही कम समय में 100% बरामदगी की है थाना बेहट की पुलिस ने। यहाँ पे हमें 3 अभियुक्त हमारे शेष हैं जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। सर अभियुक्तों में आपस में क्या सभी जो है अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं और कुछ अन्य जनपदों के भी, अन्य राज्यों के भी, इनमें क्या संबंध है? जी इसमें देखिए एक व्यक्ति है जोगेंद्र, वो उसके ट्रक्स हैं जिसे सोनू चलाता था, तो इन दोनों की आपस में पहले से जानकारी थी, और सोनू का एक साथी है नासिर जो कि पूर्व में भी जेल जा चुका है, और ये सभी जो अपराधी हैं इनकी मुलाकात पहले जेल में हुई थी और ये एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, और जब ये बाहर आए तो सबसे पहले सोनू ने ही सब लोगों को इकट्ठा कर ये घटना का अपने ग्राम में ही जो सब स्टेशन मौजूद है वहां पर बुलाया और ये घटना का अंजाम। जी इनसे 250 किलो तांबा हमने बरामद किया है, एक लगभग 750 पर केजी के हिसाब से इसका अगर हम अनुमान लगाएं तो 6.5-7 लाख का ये तांबा थाना बेहट की पुलिस ने रिकवर किया। खेत में ट्यूबवेल चलाने गए एक बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या। आपको बता दें खेत में ट्यूबवेल चलाने गए एक बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वृद्ध साइकिल पर सवार होकर ट्यूबवेल बंद करने गया था, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मामला थाना नागल क्षेत्र के गांव सोहन चिड़ा का है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कामिल। नागल में मामला हुआ, क्या लगता है आपको? ये मेरे चाचा लगते हैं। क्या मामला हुआ है, क्या घटना? मामला तो हमें भी नहीं मालूम हुआ क्या है, ये लोग 6:45 बजे करीब घर से गांव में जंगल की तरफ जाते, गांव में जो कैमरे लगे हुए उनमें नजर आए, उसके बाद हम लोग ढूंढते रहे ये नहीं मिले, तकरीबन 9 बजे के करीब दोबारा फिर खेत की तरफ हम लोग गए, वहां जाकर देखा तो ये वहां पर पड़े ही मिले, और इनके एक सर में गोली लगी हुई थी, एक छाती में गोली लगी हुई थी। तो क्या कोई रंजिश वगैरह थी? नहीं, कोई रंजिश नहीं है, कोई इस तरह का मामला नहीं है हमारे पूरे गांव के अंदर, कोई इस तरह का मामला नहीं है, सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ना किसी के ऊपर कोई इस तरह का मसला है, ना कोई हमारे गाँव के इस तरह के केस है, आज तक गाँव के अंदर कोई बड़ा केस भी नहीं हुआ जो अदालतों में हो। तो क्या जाते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि जो भी हो इसमें कार्रवाई हो और ये जो भी इसमें मुजरिम है वो क्लियर सामने आए। कल शाम थाना नागल पर सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम सोहन चेड़ा के एक खेत में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना पर तत्काल थाना नागल पुलिस एवं फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचती है और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। जानकारी पर पता चलता है कि यह जो बुजुर्ग व्यक्ति है यह 65 वर्षीय सईद है, सोनचेड़ा गांव के ही रहने वाले हैं। ये शाम से घर से निकले थे और घर नहीं पहुंचे थे, तो जब गांव वालों ने इनको ढूंढने का प्रयास किया तो इन्हीं के खेत के पास इनका शव मिला है और इनका साइकिल एवं मोबाइल भी घटनास्थल पर मिला है। प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह पाया गया कि इनको संभवतः गोली मारकर इनकी हत्या की गई है। फील्ड यूनिट द्वारा भी एविडेंस कलेक्शन का कार्य किया गया है एवं इनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, जिसकी कार्रवाई अभी प्रचलित है। और इस घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है, शीघ्र ही जो घटना करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर
अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए।